हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम अपना जो एनालिटिक फंक्शन वाला चैप्टर चल रहा था उसका आगे को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर पॉइंट क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम से आने भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक हो क्या? तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इफ एफ डैश जेड नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये कह रहा है कि एक पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट, यानी कि जेड कोई पॉइंट है जहां पर जेड नॉट उसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी कि मान लो कि जेड नॉट जो है वन है, ऐसे करके मान लेते हैं जेड एक वैल्यू है जहां पर जेड नॉट उसकी वैल्यू है। उस जेड इक्वल टू जेड नॉट पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट तब कहेंगे जब एफ जेड का हम डेरिवेटिव निकालेंगे पहले एफ डैश जेड, और फिर जब उसके बाद एफ डैश जेड निकाल के अगर एफ डैश जेड नॉट जो जेड होगा उसकी जगह जेड नॉट की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम कहेंगे वो सिंगुलर पॉइंट नहीं है, और जब एग्जिस्ट नहीं करता है तभी हम कहते हैं कि वो पॉइंट जो हमारा एक सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम अपने जो इम्पोर्टेंट है नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, यानी कि हम इसको कॉची रीमान इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों इसका होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखो, सबसे पहले हमने इसमें क्या माना कि इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, अगर मान लिया कि एफ जेड यू प्लस आई वी है इज एनालिटिक फंक्शन, वो एक एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी, एक डोमेन डी में वो एनालिटिक फंक्शन है, देन यू वी सेटिस्फाई द इक्वेशन। उसके बाद क्या है, यू और वी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि जो यू प्लस आई वी है एनालिटिक इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि जब हम डी यू, तो फिर इसके बाद क्या होगा, इक्वेशन जीआर फोर इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इन डोमेन डी देन यू वी सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसमें जो कहने का मतलब है कि यू प्लस आई वी अगर एक एनालिटिक फंक्शन है डी डोमेन में, तो उसके बाद u और v जो है इस और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि डेल u अपॉन डेल x, यानी कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y होना, इक्वल एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। यानी कि जब हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो चीजें हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम यू एक्स भी ले सकते हैं और इसको वी वाई भी ले सकते हैं, और इसको यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यानी कि जब ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे जो ये हमारा जो फंक्शन था वो एनालिटिक था। ठीक है, अब जो ये कंडीशन थी ये तो होनी चाहिए, अब ये कैसे होगी वो चीज हम उसको सॉल्व करेंगे। समझ गए सभी लोग? तो देखिए, लेट v इज इक्वल टू एफ जेड यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, देन हमने मान लिया एफ जेड यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, यानी कि डब्ल्यू को जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हैज सेम वैल्यू अलोंग एवरी पाथ। तो यानी कि जो डी डब्ल्यू एम डी जेड है ना, वो किसी भी पाथ में जाएगा तो उसकी सेम वैल्यू होगी जो उसकी एक पाथ में, क्योंकि जब उसको डिफ्रेंशिएट करें तो सेम पाथ होगी। ठीक है, तो केस वन क्या है कि अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जब हम उसके एक्स एक्सिस जा रहे हैं, जो डेल जेड होगा इक्वल टू माइनस डेल एक्स के बराबर होगा, इक्वल टू माइनस माइनस कुछ नहीं सिर्फ डेल एक्स है, यानी कि जो डेल डब्ल्यू होगा डेल जेड होगा वो डेल एक्स के बराबर होगा। समझ गए सभी लोग? तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को जब हम लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड लिखते हैं, तो डेल जेड हमने कितना माना डेल एक्स, यानी कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि जब हम लिमिट इसमें पुट कर देंगे तो उसके बाद हमको क्या ले सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन वन हो गई। समझ गए सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो केस टू है, केस टू अलोंग वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो जो डेल जेड है माइनस आई डी वाई, डेल जेड को हमने माइनस आई डेल वाई माना। ठीक है, तो डेल डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, क्योंकि जब हमें अब हमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो डेल जेड था वो डेल वाई में बदल जाएगा, जैसे यहाँ पर डेल जेड डेल एक्स में बदला था वैसे ही डेल जेड यहाँ पर डेल वाई में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन आई डेल वाई हो जाएगा, समझ गए सभी लोग? फिर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। अब ये माइनस आई कैसे हुआ, जब हम इसको हम रेशनलाइज करेंगे ना, देखो इसके नीचे अपॉन में, यानी कि वन अपॉन आई है, इसको वन अपॉन आई है, तो वन अपॉन आई का जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन आई, यानी कि आई अपॉन आई स्क्वायर। अब सबको पता है स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, यानी कि माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी, उतनी चीजें ये इतना लंबा स्टेप ना करके हमने उसको सीधे से लिख दिया, यहाँ पर माइनस आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर टू।
समझ गए सभी लोग। देखिए फिर सिंस डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी है, पता है हमें, देखो यहाँ पर हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखा था डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो जब हम जब इस इक्वेशन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब यहाँ पर क्या एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा, समझ गए सभी लोग। देखिए ये है, ठीक है, और जब इसको वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, वही चीज है, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई होगा, होगा नहीं होगा, देखो अब वो कैसे होगा, ये होगा हमारा वन एंड टू से, अब वन एंड टू देखो, ये देखो ये भी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इसके बराबर है, इसके बराबर, और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड भी इसके बराबर है, यानी कि फ्रॉम वन एंड टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डी डब्ल्यू अपॉन डेल वाई के बराबर है, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इतनी आई हमने यहाँ पर रख दी, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू इतनी आई है वो भी हमने यहाँ पर रख दी, यानी कि अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग रियल, रियल पार्ट होते हैं जिसमें आई का टर्म नहीं होता है, और इमेजिनरी पार्ट होते हैं जिसमें आई का टर्म होता है, यानी कि ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, और यहाँ से ये देखो माइनस आई इंटू आई करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई होती है, तो आई माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, यानी कि डेल बी अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। ये कंपेयर किया हमने इतना आया, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना होता है यूएक्स, और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना होता है वी वाई, यानी कि एक चीज हमारी आ गई, समझ गए सभी लोग, ये एक चीज आ गई हमारी जो हमारी इसकी कंडीशन होती थी। अब इसके इमेजिनरी पार्ट को वो करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, अभी माइनस था तो माइनस इसके हाथ भेजा हमने तो माइनस डेल वी अपॉन, यानी कि यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, इसी को हम कॉची रीमान इक्वेशन भी कहते हैं, या तो फिर पेपर में ये कैसे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में आपको बताऊं तो, या तो पेपर में कह देगा कि डिराइव द कंडीशंस फॉर कॉची रीमान इक्वेशन, या तो ये आएगा, या तो फिर सीधे कह देगा कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स को कैसे प्रूव करते हैं, वो दो तरीके ये हो गए, एक तीसरा तरीका ये भी कह सकता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट टू बी डिराइव द नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट टू बी एनालिटिक, यानी कि ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो तीन, अगर तीन क्वेश्चन आएंगे तो आपको सेम इस तरीके से करना है, ठीक है। तो जितना इजी तरीके से हो सकता है मैंने आपको समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ये एक नोट है जहां पर आप देखिए ये नोट क्या है, ठीक है। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं, हम सभी को पता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई बी है, ठीक है। अब एफ डे जेड कितना होता है, एफ डे जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ठीक, तो इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स हो जाएगा, डेल जेड की जगह डेल एक्स रखा, यानी कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कितना होगा, देखो यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, वही चीज हमने यहाँ पर रख दी, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना लिखते हैं हमने यू एक्स, और डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना लिखते हैं आई वी एक्स, यानी कि जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होता है कॉपी यू एक्स का स्क्वायर प्लस ये वी एक्स का स्क्वायर, यानी कि यू एक्स इंटू यू एक्स हो गया प्लस वी एक्स इंटू वी एक्स। अब हमें पता है यू एक्स किसके बराबर होता है, वी वाई के बराबर, कहाँ से, ये देखो यू एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि यू एक्स वी वाई हो गया, और हमें पता है वी एक्स किसके बराबर होता है माइनस यू वाई के बराबर, यानी कि माइनस यू वाई वी एक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल सी कंडीशन है जो आप याद करने तो कर सकते हैं, वरना तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि आपको ये दोनों इक्वल रखने पड़ेंगे, और आपको एफ डी जेड निकालना है पहले, फिर उसका एफ डी जेड का मॉडुलस निकालना है, समझ गए सभी लोग। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। अ फंक्शन एक्स वाई इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू आर कंटिन्यूअस एंड यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, समझ गए बिलो। अगर एक पॉइंट है, एक फंक्शन है यू एक्स कोमा वाई, एक फंक्शन है यू एक्स कोमा वाई फंक्शन है, उसको हम हार्मोनिक कब कहेंगे, अगर उसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि जैसे एक यू फंक्शन है, यू का हमने सबसे पहले डी यू अपॉन डी एक्स निकाला, यानी कि एक बार डेरिवेशन किया उसका, एक बार डेरिवेटिव निकाला, मतलब यानी एक बार डिफरेंशिएट किया उसको, फिर दोबारा डिफरेंशिएट, यानी कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट, मतलब जब हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट ऑफ यू आर कंटिन्यूस, और मतलब पहला और दूसरा दोनों कंटिन्यूस होंगे, और जो यू है वो डेल स्क्वायर यू वाली सेटिस्फाई इक्वेशन को सेटिस्फाई, यानी डेल स्क्वायर यू बोले तो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, दोनों को यू कॉमन ले लेते हैं, तो वो चीज है डेल स्क्वायर यू, ठीक है, समझ गए सभी लोग। यानी कि एक फंक्शन हार्मोनिक कब कहलाएगा, जब उसका जो पहला और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा, या और कंटिन्यूस के साथ साथ क्या होगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो लाप्लास इक्वेशन होती है वो हमारी इतनी होती है, समझ गए सभी लोग। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, यानी कि मिलनेस थॉमसन मेथड। अब मिलनेस थॉमसन मेथड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अभी तक तो हम सारा वो पढ़े थे थ्योरम वाला पार्ट है, फिर जिनमें हमको
क्वेश्चन में जो कंडीशन थी हमको प्रूव करना था। अब मिलने थॉमसन मेथड से हमको दो फॉर्मूले पता चलेंगे, ये दो फॉर्मूले जो पता चलेंगे इन दो फॉर्मूले से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें देखिए, दैट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, एफ जेड एक फंक्शन है जिसके अंदर यू प्लस आई वी आता है, जहां पर दैट इज एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है और प्लस आई वी बी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है। ठीक है, सच दैट इट्स रियल पार्ट गिवन दैट इज यू इज गिवन बाय, सच दैट मतलब इट्स रियल पार्ट, यानी कि जब इसका सिर्फ रियल पार्ट गिवन हो, यानी कि जो ये पीछे वाला पार्ट होना है ये जीरो, तो जब सिर्फ यू वाला टर्म दिया होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम करेंगे एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाइव टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। अब जो फाइव वन और फाइव टू क्या होता है, देखो फाइव वन जेड कॉमा जीरो, जेड कॉमा जीरो कोफिशियंट है। ठीक है, ये जेड एक्स एक्सिस में होगा और वाई वाला जीरो टर्म है। ठीक है, तो ये है जेड कॉमा जीरो, तो जब फाइव वन निकालेंगे तो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और जो फाइव टू होगा हमारा वो होगा डेल यू अपॉन डेल वाई। बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और वही जब जब हमें वी गिवन हो, यानी कि जब हमें इमेजनरी पार्ट गिवन हो और वाला पार्ट इमेजनरी पार्ट गिवन हो और रियल पार्ट आगे वाला पार्ट ना गिवन हो, तो क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला साइव वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साइव टू जेड कॉमा जीरो, ये बात फॉर्मूले में बस फाइव वन की जगह साइव वन और साइव टू हो गया। और यहाँ पर एक चीज और बदलती है, उसमें देखो पहला वाला डेल यू अपॉन डेल एक्स था और इसमें क्या होगा डेल वी अपॉन डेल वाई होता है पहला वाला, और जबकि उसमें दूसरा वाला था डेल यू अपॉन डेल वाई और इसमें पहला दूसरा वाला है डेल वी अपॉन डेल एक्स। बस इन दोनों में जो बेसिक फॉर्मूला पूरा सेम है, इनके बीच में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और जो इसमें फाइव वन की वैल्यू थी वो इसमें साइव टू की वैल्यू, और जो इसमें फाइव टू की वैल्यू थी वो इसमें साइव वन की वैल्यू, ये चीज आपको याद करनी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, आपने इसको अच्छे से समझा होगा हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। सबसे आज की वीडियो में जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करी वो थी ये हमारा नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, यानी कि कॉचेरियवान इक्वेशन भी कह सकते हैं हम इसको, और कह सकते हैं कि जो कंडीशन है यू एक्स इक्वल टू वी वाई उनको कैसे प्रूव करते हैं हमने आज सीखा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको वीडियो का, और आपको कितने जानने को मिला इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास। तो दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, मास्क पहनिए, दो गज की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, भीड़ वाले इलाकों या फिर जगहों पे ना जाएं। ठीक है दोस्तों, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।